कैंपेनिंग चला रहे हैं और मुख्तलिफ जलसे जलूस का भी ऐलान किया है और जलसों से भी खिताब कर रहे हैं और ननकाना साहब जिस तरह जलसा कर रहे हैं और अगला उनका जो है वो KPK में जलसे का ऐलान किया है और हुकूमत भी आहिस्ता आहिस्ता मुतहरक होती जा रही है और इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो मुकदमात हैं उनका भी इंदराज करने की कोशिश की जा रही है, इंदराज किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे ज़राए का दावा है कि जो ही इमरान खान इस्लामाबाद के लिए मार्च का ऐलान करेंगे तो फौरी तौर पर जो उनके खिलाफ केसेस हैं, जिस तरह आपको मालूम है कि PTI फॉर्म फंडिंग केस के हवाले से FIA भी तहकीकात कर रहा है और FIA ने अब बहुत बड़ा वो काम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ FIR का इंदराज किया और जिसमें PTI के दीगर लोग भी शामिल हैं और उस FIR में और उस जो तहकीकात है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं वो हम आपकी नज़र करते हैं कि उसको एक नज़र देख लें कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है और ज़रा FIA के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ मुकदमा ममनुआ फंडिंग के हवाले से दर्ज किया गया। ज़रा FIA ने बताया कि मुकदमा FIA बैंकिंग सर्कल थाने में दर्ज किया गया है। FIA में अपराध ग्रुप के अकाउंट से $21 लाख की रकम मुंतकली का जिक्र है और मुकदमे में सरदार अजहर फारूक, तारिक शफी और यूनिस आमिर कियानी भी नामजद हैं। FIR के मतर के मुताबिक अपराध ग्रुप ने तहरीक इंसाफ के अकाउंट में पैसे भेजे, ये पैसे एक बैंक की जिना एवेन्यू ब्रांच में भेजे गए हैं। FIR के मतन में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी का बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, ताहम आरिफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया बयान हल्फी झूठा और जाली है। FIR के मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ का निजी बैंक में अकाउंट था जो निया पाकिस्तान के नाम पर बनाया गया। निजी बैंक का मैनेजर भी मुकदमे में नामजद किया गया है। बैंक मैनेजर ने गैर कानूनी बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की इजाज़त दी। जिस तरह इमरान खान अपनी सियासी तहरीक में तेज़ी लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तरह हुकूमत भी मुतहरक नज़र आ रही है और जो तहकीकाती इदारे हैं वो भी मुतहरक हैं, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ममनुआ फंडिंग फॉरेन फंडिंग के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को भेजा। वजारत दाखिला अब जो FIA है वो इसकी तहकीकात कर रही है और आए रोज़ नए नए चीज़ें और मुख्तलिफ PTI के हुकाम से यानी कि अहदेदारों से तहकीकात का सिलसिला भी जारी है और FIA अब इस नतीजे पर पहुँचा है कि उन्होंने इमरान खान, अजहर फारूक, सरदार अजहर फारूक, तारिक शफी और आमिर कियानी के खिलाफ जो FIR है इमरान खान के समेत, तो PTI रहनुमाओं के खिलाफ FIR का इंदराज किया है। अब देखने यह है कि आने वाले दिनों में सियासी तौर पर बड़ी गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। गो के मौसम में खुनकी होती जा रही है, ठंडक होती जा रही है, लेकिन सियासी मौसम का जो टम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिन का इंतज़ार करते हैं कि सियासी सूरत हाल किस करवट बैठती है और क्या सूरत इख्तियार करती है। हमें भी आपके साथ इसी चीज़